मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दशहरा, दीपावली व छठ त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ADG दवा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नालीकर, IG जय नारायण सिंह, DM के विजयन पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, CDO अनु सिंह सहित पुलिस तथा प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के निर्देश देते हुए कहा कि पूजा पंडालों, मूर्ति स्थापित करने वाले स्थलों, मूर्ति विसर्जन के दौरान निकलने वाले जुलूस मार्गों तथा इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के निर्देश दिए। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर को महानवमी है और 10-8 तारीख को दशहरा व्रत पर मनाया जाएगा। जो ये फेस्टिवल है, जो ये पर्व है, उसके आयोजन में मैं इंगित कर रहा हूँ कि इसमें ट्रेडिशनल रूप से दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना जगह जगह पर की जाती है, साथ ही साथ दुर्गा पूजा पंडाल लगाया जाता है, उनका दहन का कार्यक्रम होता है, कुछ कुछ जगहों पर शस्त्र पूजन भी होता है। कुछ ऐसी कमियां थी हमारे व्यवस्था में जिसके कारण ये घटनाएं भी न हो सकती थी अगर हम लोग थोड़ा भी प्रोएक्टिव करते। जैसे नई मूर्तियों की स्थापना और नए को वहाँ के ऑन द स्पॉट इंसिस्ट करना, यदि उसके जानना उसमें आ रहा कि वो ऑन द सन ने एंटर्ड एंड दे क्रिएटेड द सीन्स। ताकि जनता ने ऐसा देखा जाए कि डीजे जो है वो उसके बजाने के ऊपर और खास कर वहाँ के एक मस्जिद है उस मस्जिद पर रंग डाले, पहले से ही कोऑर्डिनेशन होती स्ट्रॉन्ग तरीके से कर लिए होते तो शायद इन सब घटनाओं को रोक सकते थे। जहां तक हम लोगों ने पिछले वर्ष की ये बात कही थी और विभिन्न प्रकारों के धार्मिक VIP सभी प्रकार के जुलूस हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से निकाला, इस सर्दियों की ड्यूटी होनी चाहिए। जहां जहां हमने बॉक्स फॉर्मेशन की बात नहीं समझी और नहीं किया, उन्होंने VIP रूप से इस तरह के प्रोसेशंस को भी एक मॉक एक्सरसाइज के रूप में बताया और उसका अन्य जगहों पर भी की जा सकती है, ताकि हम उसको रेटिंग के समय में मॉक एक्सरसाइज करके हम उसको और भी रोबस्ट बना सकते हैं। होता है वहाँ पर या फिर कोई मिक्स्ड पॉपुलेशन जहाँ पे जुलूस जाता है, जहाँ आबादी को रोकने के लिए पुलिस ऑफिसर को लगाया जाए जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, समझदार हो और क्विक डिसीजन लेने में ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने में बहुत सक्षम हो, क्योंकि वहाँ पर तुरंत डिसीजन लेना बहुत आवश्यक है और कहीं कहीं घटनाओं में इस प्रकार का लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसके कारण भी हमें दिक्कत हुई, जो देवरिया में खासकर देवरिया में हमने देखा कि वहाँ पे इस प्रकार की दिक्कत आई। इसमें जब हम पूरी व्यवस्था को देख रहे थे तो हमने कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे बाबा जी ने हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन प्लान जो है उसको लोकार्पित किया,